हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैगी पकौड़ा बनाएंगे। मैगी पकौड़ा बनाने के लिए मैं इधर पानी गर्म कर रही हूँ। मैं डाल रही हूँ 4 कप पानी। दो मैगी के पैकेट्स लिए हैं मैंने। पानी को गर्म होने दें। पानी गर्म होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नूडल्स। टेस्ट मेकर अभी हमें इसमें ऐड नहीं करना है। नूडल्स को सॉफ्ट होने तक पका लें। अब नूडल्स पक गए हैं। अब मैं इसका सारा पानी निकाल दूंगी। नूडल्स को ठंडा कर ले। अब मैंने इधर बॉल लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर। धनिया पत्ता, कैप्सिकम, इसको छोटा छोटा काट दिया है। प्याज को भी मैंने छोटा छोटा काट दिया है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ नमक, ऑरिगैनो, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर 1-1 चम्मच, बेसन डाल रही हूँ मैं 5 चम्मच, क्रिस्पिनेस के लिए डाल रही हूँ मैं चावल का आटा 2 चम्मच, टेस्ट मेकर डाल रही हूँ मैं, जो मैगी मसाला आता है पैकेट के साथ वो मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट्स। 2 मैंने मैगी लिए थे। इसमें मैं डाल रही हूँ चीज़। इसको छोटा छोटा तोड़ लिया है मैंने। अब डाल देंगे पकी हुई नूडल्स। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। बहुत ड्राई लग रहा है, मिक्सिंग में दिक्कत आ रही है, तो बहुत बहुत थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मिक्स करके तैयार कर लिया है, ये देखिए। अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाना है हमें। और डीप फ्राई कर लेना है। देखिए, इसी तरह आप छोटे छोटे बॉल्स डालें और डीप फ्राई कर दें। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लें।
अब ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये लीजिए पकौड़े बनकर तैयार हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टिल देन।